हाँ जी साहब। ये कौन है खुदरत का आठवां अजूबा? 3 महीने पहले मेरी शादी हुई थी। बात करो चंदा वंदा कुछ भी नहीं। चलो ये अल्लाह मुझे सब्र देने तो मुझे बुड्ढे का मर्डर कर दे तुम। चलो ये मुठ्ठियाँ बंद है, जिस दिन ये मुठ्ठियाँ खुलेंगे तुम्हारी शेरवानी अलग और परेशानी अलग कर को रख दे। तू क्या समझ रही? सब्सक्राइब करो और घंटी दबाओ नोटिफिकेशन आता। जय खाजी साहब। खाजी साहब कहेंगे? खाजी साहब कहेंगे? नहीं मालूम। हाजी साहब। हे क्या हुआ, कहीं को पुकार रहे? क्या तकलीफ है तुम्हारी? कहीं को तुम्हें दूर करती है। सब तकलीफा वाले चाहते यहाँ पे। क्या हुआ बोलो? हाजी साहब से मिलना है मुझे। बैठो, पानी ना रहे आते अभी। बैठ रू? बैठो बैठो। दुकान हर मकान एक दिख रहे इनका। जी क्या जी, 11 से 11:30 हो को गई मगर खाजी साहब नहीं आई। हे इसका नाम क्या है जी पड़ेगा? अरे उन्हें खाजी साहब का असिस्टेंट है सिराज। अजय हे सिराज उद्दौला बना को होला कहाँ जा रही तुम्हें? हाँ खाजी साहब क्या कब से नहारी करते? जरा कम पानी ना होगा जी, न तो बस्ती में बाढ़ आ को जाएंगी। खाजी साहब जब से नहा रहे थे अब खा रहे, आते बैठो वहाँ पे। अड्डे उनके पेट में अंगार पड़ो या मेरा सुकून खा ली, अब किसका चैन खा रही की? खा खा को वाह 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 वाह। सलाम अलैकुम खाजी साहब। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। ये कौन है खुदरत का आठवां अजूबा? दे मिंदे नहीं पहचानी तुम्हें? पैखाने पैखाना आ जाओ, बैठू खला जाओ, इधर क्या कर रहे तुम? दे भाई जरा जोर से बोलो, खाजी साहब को कम सुनाई देता। ऐसा जी खाजी साहब मिंदे नहीं पहचानी तुम्हें? शाहरुख खान पहचानने के वास्ते। ए पाशा लड्डू पाशा कती मिजे लोगा? पाड़ा क्या बेहूडा बाटा कर रहा मियां ने? पाड़ा निकालो उसको, बाहर निकालो, बाहर निकालो। अरे 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 हाजी साहब मेरी बात सुनो जी। अरे मियां जब से मैं आके बैठा मेरी सूरत क्या देख लेते बैठे जी, जाना था फिर। अजी अरे हाजी साहब जरा सुनो जी। हाजी साहब। हाँ बोलो मियाँ क्या परेशानी है? जी गाजी साहब 3 महीने पहले मेरी शादी हुई थी। बर्बादी हुई तो यहाँ का मातम मनाने को आई तुम? चलो जहाँ से जी ये भैरा बुड्ढा। जी गाजी साहब बर्बादी नहीं जी, शादी निकाह निकाह पड़े थे तुम्हें 3 महीने पहले मेरा। अच्छा अच्छा शादी हुई चिट्ठा गार्डन के बाजू में कमेटी हॉल में हुई। खाना कम पड़ गया नाम जी? मरे से मुर्दे की खबर क्यों खोद रही? जो मैं काम को आया वो काम करो तुम्हें। शादी की जिंदगी कैसी चली मियां? फर्क पड़ा नहीं पड़ा कुछ भी? बहुत भारी फर्क पड़िया जी खादी साहब, बहुत भारी। शादी हुई सो दिन को लेको अब तक लगा मैं घर में एक खोत नहीं बैठा। देखो खाली इधर से उधर फिर रू, उधर से इधर फिर रू, कभी यहाँ से वहाँ, कभी यहाँ से वहाँ, खाली फिर रू। देखो मैं माशाल्लाह माशाल्लाह कारोबार में अच्छी तरक्की हुई। बोलो खाजी साहब क्या भी तरक्की ने भी है, मेरी मैरिज सर्टिफिकेट में पूरे गड़बड़ हो को गई है। तुम्हें मेरे सास सुतरे का नाम पूरा गलत लिख को छोड़ी, मैं जाको हज हाउस में ये सर्टिफिकेट में करेक्शन कर रहे बा का। तो उन्हें क्या बोलिया मालूम? खाजी साहब कहीं जाको सिया नाम है कलेक्शन कर को रहो कह, तो मैं तुम्हारे पास आई तेरा करेक्शन कर को दियो। कलेक्शन कलेक्शन वलेक्शन इधर नहीं करते। चलो बाहर चलो, चंदा वंडा कुछ भी नहीं, चलो बाहर चलो। जी खाजी साहब ये गुड्डा मींदे पागल कर को छोड़ता है जी। खाजी साहब कलेक्शन नहीं करेक्शन, जो गलत करी उसे सही करो, करेक्शन। अच्छा लो क्या है बोलो, कर रहे तो लो जल्दी कर को जो हमारा सास ससुर का नाम पूरा गलत लिखी तुम्हें। अच्छा सास का नाम बोलो। सीमा बेगम। खीमा बैगन। ये खीमा बेगम नहीं जी, सीमा बेगम। सीमा बेगम सीमा बेगम सीमा बेगम बेगम। अरे बोलो ना मियां, खाली बुली के कंफ्यूज कर रहे तुम मेरे को। हाँ बेवकूफ आदमी। हाँ ससुरे का नाम बोल। नूर पाशा। चोर पाशा। जी खाजी साहब जे ये बुड्ढा मिंजे ये अल्लाह मिंजे सब्र देने तो मुझे बुड्ढे का मर्डर कर दे तुम। जी खाजी साहब चोर पाशा नहीं जी, नूर पाशा। नूर पाशा। नूर पाशा। अच्छा बोलो ना मियां, खाली बुली के कंफ्यूज कर रहे मेरे को। 1000 रुपए दियो, 1000 रुपए दियो, 1000 रुपए।
हजार रुपए अच्छा लूट रही हलियो पांच मिनट बैठो सियाना मा वंटेड मा को डेट मा हाँ अब क्या भी प्रॉब्लम नहीं आते तो कुछ भी नहीं होना हाँ सब ठीक रहा था जा रहा खराब हजी खाजी साहब मुबारक जी बाप हो गया तुम्हारा बन गया मैरिज सर्टिफिकेट कहाँ से बनते जी हजो उसके चक्कर काट रू मई कही को यहाँ क्या हुआ कल तो तुम्हारे सास ससुरे का नाम सही करके दिया ना मई जी तुम्हें मेरे सास ससुरे का नाम सही करी मगर मेरा और मेरी जोरू का नाम ही गलत लिख को जुड़ी अच्छा कर देंगे हो जाता हजार रुपए जमा करा दो कलिज कराया ना किराया तेरे घर का किराया मैं कहीं कुटूम यहाँ तेरे घर का किराया टूटे ले समझा जी खाजी साहब ये लम या मिंजे सबर देने तो दाल दे तुझे खाजी बुड्ढे को जी खाजी साहब मैं करूं मैं कलिज हजार रुपए दिया ना हाउर कितना देना तुम्ही क्यों देती थी मेरे घर का किराया मेरे घर का मैं दे ले तू मैं बोल रहा हूँ मैं कल हजार रुपए जमा कराया कल कराया ना कल का कलिज आज का आजिज मियाँ रात गई बाट गई समझ में आ काम कराना है करो ना तो जाओ दुनिया के लेने उधर देखो पीछे देखो चलो कौन मिनी है तो जी अच्छा 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 अब समझिया मैं हाँ ये गरीबों को लूटने का फार्मूला है तुम्हारा डे 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 लियो जी बा लियो मजबूरी में गरीब का फायदा उठा रही तुम्ही लियो हजार रुपए लियो करेक्शन करो जरा तुम्हारा नाम बोलो लड्डू पाशा गिड्डू भागा गिड्डू क्यों भागता है जी लड्डू पाशा है मेरा नाम लड्डू पाशा हाँ लड्डू पाशा अरे बोल नाम यहाँ खाली बिल्ली का दिमाग खराब कर रहा तू अहलिया का नाम बोल कौन है इनू अरे जाहिल आदमी अहलिया बोले तो बीवी को बोलते बीवी का नाम बोल बीवी का नाम सना बेगम सना बेसन चना बेसन ने जी जी लट भैरा बुड्ढा मिंजे जी हाजी साहब चना बेसन नहीं सना बेगम अच्छा बोलना मैं खाली घुमा घुमा के बात करते रहता बेवकूफ आदमी जा उधर जाके बैठ जा पांच मिनट में बुला तुम आगे ले लेगा जा जी झड़किया क्यों दे रहे जी इज्जत से बात करो पैसे देखो करा रहा हूँ क्या फुगट में करा रहा हूँ पांच मिनट हाथ तू जरा करो जो परेशान कर को रखी हडे यहाँ से वहां से वहां फिरा रही अरे ऐसा तरीका होता है अजीबा ऐसा फिराने का अजीबा क्या ऐसा खामोश बैठी तुम ना जाप देखा जब यही पड़े हुए रहती तुम ना कौन सी सर्टिफिकेट देना है खाजी साहब घोर रे का जी सर्टिफिकेट के बारे में पूछे था हम ना क्या चुप हमदर्दी को पूछी हमें लड्डू पाशा इतना मियां हां जी खाजी साहब आ रहूं हां जी हां खाजी साहब हुए कर दी और हो गया और सुनो जरा उनसे दूर रहो उनका मसला अलग है क्या बोल रहे हो अब क्या भी गलती नहीं होती तो कुछ भी नहीं होती बन जाता पक्का जाना जाना खुदा हाफिज अल्लाह खाजी साहब नहीं छोड़ तू तुम आज मटर कर को रहतो तुम्हारा क्या समझी तुम्हें हाँ तुम्हें बड़े बुजुर्ग हैं बोल को मैं खामोश बैठ रू मगर तुम्हें मुझे लट्ठू को फिरा जैसा फिराते जा रही तुम्हें मेरे सास ससुरे का नाम गलत लिखी मैं खामोश बैठा मगर तुम्हें हद पार कर दी आज तो तुम्हें मेरे बाप कुछ बदल को रखी जलील पाशा को जलील पाशा लिखी हा? और मेरा 21,000 महर था तो 21,00,000 लिख कर छोड़ी मेरी जोरू जी बा मेरी जोरू कल रात में सीने पर बैठ को मैं थप्पू थप्पू मार को बोल रही लाओ मेरे 21,00,000 रुपए बोल को मैं कहां से देना जी गरीब आदमी बोलो आज तो मैं तुम्हारा मर्डर ही कर दूं लड्डू पाशा आराम से पहले आप तशरीफ रखिए आप ये खाजी साहब
मैं मोटा चावल खाता हूँ मगर मेरा दिमाग मोटा नहीं है। मैं जितना शरीफ वत्ताश खतरनाक हूँ। क्या समझ रही लोगा, खाली अपने आप को पाशा पाशा बोल लेते फिरती। मैं खानदानी पाशा हूँ। सुन रही, ये मुठ्ठियाँ बंद है, जिस दिन ये मुठ्ठियाँ खुलेंगे तुम्हारी शेरवानी अलग और परेशानी अलग कर को रख दे। तू क्या समझ रही? अरे गुस्से में नहीं आना लड्डू पाशा, अब बैठो। ए सिराज, लड्डू पाशा को इतना ठंडा पानी लग रहे, कर देंगे ना बेटा, करेक्शन कर देंगे अपन। बैठो बैठो, बोलो क्या करेक्शन करना है। हमारे बाबा का नाम और मैं पूरा गलत लिख को छोड़ी, वो करेक्शन करो तुम्ही। पानी सर्टिफिकेट वहां गिर को गई है, ठहरो दे रूं। लियो, करेक्शन करो। बाबा का नाम बोलो। जलील पाशा। खलील पाशा। जय खलील पाशा नहीं जी, जलील। जलील पाशा। जलील पाशा। हाँ जलील पाशा। अच्छा बोलो नाम यहाँ कई गुस्से में आ रहे हैं। मेहर बोलो। 21,000। 31,000। 31,000। जय जय 31 नहीं जी, 21। 21,000 ओनली। 21,000। हाँ लिखो। 21,000। हजार रुपए दियो। क्या और कई के हजार रुपए जी? जी तुम ना दाल दे पकड़ पकड़ इसको पकड़। जय आज मैं सर्टिफिकेट लेकर जातू, क्या भी हो दे मैं सर्टिफिकेट लेकर जातू। अरे अरे गुस्से में गई को आ रहा मियां, तेरी सर्टिफिकेट यहीं रखी हुई है। ले लाओ। ले तेरी सर्टिफिकेट। ये मैं तेरे को सबक सिखाने कर रहा हूं था बस। मैं क्या कोल्लू पापा मिल गया सबक सिखाने के वास्ते? तुम्ही तेरे कुछ नहीं रे भाई, पूरे समाज को सबक सिखा रहा हूं था मैं। रे जा छोड़ रहा, नहीं मार रहा हूं, छोड़। ऐसा क्या सबक सिखा रहे थे खाजी साहब तुम्ही? देखो मियां, आजकल के लोग शादियों में फजूल खर्ची में दुनिया के पैसे डाल दे रहे हैं, मगर खाजी को देने के वास्ते पैसे नहीं है। खानों में पैसे बर्बाद कर ले रहे, मगर खाजी को देने के वास्ते पैसे नहीं है। बारातों में पैसे उड़ा उड़ा को पैसे बर्बाद कर दे रहे, मगर खाजी को देने के वास्ते पैसे नहीं है। अच्छा खाना खिलाने से, अच्छा कपड़ा पहनने से शादी नहीं होती। खाजी साहब निकाहनामा पढ़ाने से और शरीयत के हिसाब से रुसूमात अदा करने से शादी होती। दुल्हन वाले बोलते हमारे से पैसे ज्यादा ले ले रहे, दूल्हे वाले बोलते नहीं हमारे से पैसे ज्यादा ले रहे रे। हम कहीं को लेंगे भाई ज्यादा पैसे? जो हमारी फीस है हमारे को दियो, ज्यादा नको दियो, फजूल खर्ची में पैसे डाल रहे हैं खाली। खैर ये तुम्हारी जो सर्टिफिकेट है ये बराबर है, हो जाता तुम्हारा सर्टिफिकेट का काम। जब अरे हाजी साहब मैं तो बराबर पैसे दिया था, तो मिंजे क्यों फिर रही? तू भी कमी दिया रे हौले, इसके ऐसे तेरे से ऐसा वसूल करना पड़ा? जा जा, इज्जत राज नहीं आती तुम लोग। खाजी साहब बोले मियाँ। खाजी साहब मेरा सर्टिफिकेट। वैसे क्या नाम बोले मियाँ तुम्हारा? रियाज सिद्दीकी। रियाज सिद्दीकी। अभी सर्टिफिकेट रेडी नहीं हुई ना मियाँ, आ रही कटे रस्ते में है। अरे कब से तो भी आ रही जी। आ रही आ रही, मैं फोन करता हूँ आटे। जाओ इन्हें भी पैसे देने, ऐसे चटाया था मेरे को। Assalamualaikum, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, वडक्कम। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया होगा, बिकॉज बहुत जने बोल रहे थे भाई लड्डू पाशा को वापस लाओ, वो कैरेक्टर पे काम करो बोल के। तो आप लोगों की फरमाइश पे हम लगा लड्डू पाशा को लेके आए वापस। और दूसरी चीज़ ये है कि भाई ये जो हम लगा वीडियो बनाए किसी भी लोगों को जो है सो हम हर्ट करना या तकलीफ देने के वास्ते नहीं बने, बस एक सोसाइटी का मैसेज है कि भाई लोग लाखों करोड़ों रुपये जो है सो शादी ब्याह में डालते हैं, मगर खाजी साहब की जो फीस देने को रोते। तो अगर खादी साहब अगर किराक हो गए तो क्या हो सकता बोल के, ये ऐसा हमारा एक इमेजिनेशन है, ये हमारा प्रस्पेक्टिव था, इसके वास्ते हम बनाए। दिल पे नक्को लो और ऐसा खाजी साहब को नक्को सताओ, उनकी फीस दियो आप। उन्होंने कहा है हलाल काम कर रहे हैं, अपन कहा है वो नाचे तोड़े वो ये करके, वो तो भी हराम में जा रहा। सही बोल रहा खादी साहब? बराबर जी, बिल्कुल एकदम बराबर बात बोले मैं। जी शुक्रिया शुक्रिया खादी। हो गई तुम्हारी शादी? हो गई साहब, बच्चा है और एक करेंगे। अरे अस्तगफुरल्लाह, काम आता कर रहे खाजी साहब।